हेलो स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी पढ़ रहे थे अपन, जिसमें सेल की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी अपन कर रहे थे। सेल स्ट्रक्चर के अंदर डायग्रामेटिकली एक प्लांट और एनिमल सेल का आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये भी बताया था साथ में कि सेल की स्ट्रक्चर इन डायग्राम में कंप्लीट नहीं हुई है। सेल की स्ट्रक्चर अपन हर एक सेल के कंपोनेंट को एक एक टॉपिक वाइज लेकर के क्लियर करेंगे। तो अपन सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल टू इंटरनल स्टडी करेंगे अपनी किसी भी कोई भी जो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, सबसे बाहर कौन सा उसका पार्ट है उससे अंदर की तरफ स्टडी करते जाएंगे। तो अपन प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो होती है सेल वॉल। तो सबसे पहले अपन सेल वॉल की स्टडी करेंगे। सेल वॉल के अंदर चलते हैं तो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसकी स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे। साइटोप्लाज्म में वेरियस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी सबकी एक एक की स्टडी करते हुए न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। तो सेल की स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए आज का अपन टॉपिक लेते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल अपना टॉपिक का नाम है आज सेल वॉल। तो देखो, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एबसेंट होती है। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो आज की वीडियो के अंदर अपन क्लियर कर रहे हैं। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर मेनली किस केमिकल कंपोनेंट्स की बनी होती है, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं। तो मेन कंपोनेंट जो है वो जो प्लांट सेल को जो बना रहा है वो है सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। मगर इसके साथ में थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर पेक्टिन भी पाया जाता है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल जो होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। दोनों को मिलाकर एक साथ अपने क्या बोल दिया, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है, मगर इनमें भी मेन जो कंपोनेंट है वो सेलुलोज ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो सेल वॉल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो डायग्राम भी मैंने यहाँ पर बना रखा है, डायग्राम के थ्रू भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहले अपन बात करते हैं प्लांट सेल वॉल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो मेनली फोर पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो फोर लेयर में डिवाइड होती है, उसकी फोर लेयर होती है। ये चार लेयर कौन कौन सी होती है, तो बाहर से अंदर की तरफ अपन स्टडी करते हैं प्लांट सेल के लेयर की। तो सबसे बाहर जो लेयर होती है प्लांट सेल की वो होती है मिडिल लेमिला। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है मिडिल लेमिला। उसके बाद में इसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है सेल वॉल की उसका नाम है प्राइमरी वॉल। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर जो लेयर होती है उसका नाम है सेकेंडरी वॉल, और जो सबसे अंदर की तरफ लेयर है उसका नाम है टर्शियरी वॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, प्राइमरी सबसे बाहर आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अगर अपन एडजेसेंट सेल की बात करें, यानी दो प्लांट सेल आपस के अंदर इंटरकनेक्टेड है, तो उनके बीच के अंदर अपन सेल वॉल की स्टडी करते हुए देखिए, तो सबसे एक्सटर्नल जो लेयर है वो मिडिल लेमिला है, उसके बाद में प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो इस टाइप से अपन प्लांट सेल के एडजेस्टेंट की बात करें, बहुत सारी प्लांट सेल आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो उनके बीच में पाई जाने वाली प्लांट सेल वॉल जो है उस सेल वॉल के अंदर अपन लेयर्स को अलग करते हैं, तो मिडिल लेमिला सबसे एक्सटर्नल लेयर है, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और फिर टर्शियरी वॉल। इस टाइप से सेल्स सेल वॉल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिडिल लेमिला की। प्लांट सेल वॉल की सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो होती है मिडिल लेमिला। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन किस समय पर होता है। देखो, मिडिल लेमिला जो सेल वॉल जो सेल वॉल की जो लेयर है वो सबसे प्राइमरी लेयर है। सबसे पहले बनने वाली जो लेयर होती है ना सेल वॉल की वो मिडिल लेमिला है। और ये कब बनती है? जब सेल डिवीजन होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है, तो एक पेरेंटल सेल से दो प्रोजेनी सेल्स बनती है, दो सेल्स प्रोजेनी सेल्स बनती है। दोनों प्रोजेनी सेल्स आपस में जिस लेयर के थ्रू आपस में सेपरेट होती है वो मिडिल लेमिला ही होती है। तो मिडिल लेमिला सबसे पहले बनने वाली लेयर होती है। और ये किस केमिकल कंपोनेंट की बनी होती है, तो इसमें आपको आंसर देना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई
सेलबोन की सबसे प्राइमरी लेयर है, सबसे पहले बनने वाली लेयर होती है मिडिल लेमिना। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसकी बनी होती है, ये पूछ लिया अपन से कि सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, वो है मिडिल लेमिना। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस होता है, फ्रूट राइपनिंग यानी फ्रूट जो होते हैं वो पक जाते हैं, उस समय पर फ्रूट जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, उस समय पर सेलवॉल की कौन सी लेयर जो होती है वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, जिसके कारण से फ्रूट जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो आपको आंसर क्या देना है, मिडिल लेमिला। यानी फ्रूट राइपनिंग के अंदर कौन सी लेयर जो होती है सेलवॉल की वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है मिडिल लेमिला। क्योंकि उस समय पर फ्रूट जब राइप होते हैं, मेच्योर हो, जब फ्रूट जो होते हैं पक जाते हैं, उस समय पर मिडिल लेमिला के अंदर कैल्शियम और मैग्नेट जो होते हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, फल जिसके कारण से ये जो वॉल होती है ये डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, जिससे फ्रूट जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो मिडिल लेमिला से पूछ जाता है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं, मैंने आपको बताया मिडिल लेमिला जो होती है सबसे पहले बनने वाली लेयर है, उसके बाद में इस पर वेरियस केमिकली सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होने लग जाता है, यानी इसके ऊपर जमाव होने लग जाता है, जिससे ये सेल वॉल जो होती है और ज़्यादा थिकनेस इसकी बढ़ती जाती है, मोटी होती जाती है और लेयर्स और बनती जाती है। तो सबसे पहले तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की मिडिल लेयर बन गई है। अब उसके बाद में कौन से केमिकली सब्सटेंस इस पर डिकम्पोज हुए, यानी इसके ऊपर आकर के जमे, जिससे और लेयर्स बन गई है। तो अब उसके बाद में मिडिल लेमिला से सबसे इसके अंदर की तरफ की बात करते हैं तो एक लेयर और बनती है जो प्राइमरी स्टेज में नहीं है, जो बाद में और बनी है, वो है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल मिडिल लेमिला के ऊपर किस केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाने से बनती है, तो यहाँ पर आपको आंसर ये देना है कि प्राइमरी लेयर जो होती है मोस्टली हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। सेमी हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का डिकम्पोजिशन हो जाने से प्राइमरी सेल वॉल के इनर पार्ट में यानी अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। प्राइमरी वॉल के इनर साइड के अंदर फिर और अधिक केमिकली सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होने से और लेयर बन जाती है, यानी सेल वॉल जो होती है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी वॉल का। सेकेंडरी वॉल जो होती है ये किसके डिकम्पोजिशन से बनती है, तो इसको आपको आंसर देना है हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ये तो इसके अंदर सेकेंडरी वॉल में भी आते हैं। इसके साथ में दो कंपोनेंट और इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो है लिग्निन और सुबेरिन के डिकम्पोजिशन से जो वॉल बनती है वो है सेकेंडरी वॉल। और ड्यू टू लिग्निन एंड सुबेरिन सेकेंडरी वॉल इज वेरी हार्ड एंड थिक लेयर। लिग्निन और सुबेरिन के डिकम्पोजिशन से जो वॉल बनती है वो सेकेंडरी वॉल है, ये बहुत ही हार्ड और थिक वॉल होती है, जिसके कारण से सेल वॉल जो कंप्लीट सेल वॉल जो होती है वो रिजिड हो जाती है और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। क्योंकि लिग्निन हार्डनेस प्रोवाइड करता है, साथ में इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, और सुबेरीन का एक्यूमुलेशन होने से और ज्यादा हार्ड हो जाती है ये सेल वॉल। और सुबेरीन एक काम और करता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। सुबेरीन वाटर के लिए एक इम्परमिएबल कंपोनेंट होता है, जिसके कारण से सेल वॉल के अंदर वाटर नहीं आ पाएगा। तो सुबेरीन वाटर के इम्पोर्ट को भी या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है, जिसके कारण से सेल वॉल जो होती है एक नॉन लिविंग लेयर्स के रूप में बन जाती है और बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं टर्शियरी वॉल की। टर्शियरी वॉल सभी प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर नहीं पाई जाती है, नहीं दिखाई देती है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट सेल्स होती है जो मेच्योर सेल्स सेल वॉल जो होती है उनके अंदर टर्शियरी वॉल भी अपन को दिखाई देती है, जो मेनली किसकी बनी होती है, प्योर सेलुलोज की बनी हुई सबसे इंटरनल लेयर होती है टर्शियरी लेयर, जो मेच्योर प्लांट सेल के अंदर दिखाई देती है। हर एक प्लांट सेल के अंदर टर्शियरी वॉल दिखाई नहीं देती है। तो इस टाइप से सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फोर लेयर्स में डिवाइड है, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल। ये चार लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है। अब इन चारों लेयर्स को अपन ने डायग्राम्स के अंदर भी रिप्रेजेंट किया है। डायग्राम्स के अंदर मैंने ये तीन प्लांट सेल को आपस में इंटरकनेक्टेड किया है, तीनों सेल्स आपस में जुड़ी हुई है। प्लांट सेल को सिंगल तो होती नहीं है, सेल्स आपस के अंदर कनेक्टेड होकर के प्लांट टिश्यूज बनाती है। तो एक टिश्यूज की तीन सेल्स इसके अंदर मैंने लेकर के सेल वॉल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब देखो
ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया था कि दो या तीन या मोर देन वन प्लांट सेल जब आपस के अंदर इंटरकनेक्टेड होती है, यानी एडजस्टेंट होती है, तो उन दोनों के बीच में सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, वो होती है मिडिल लेमिला। तो ये वाली सबसे सेंटर वाली लाइन जो है ना, ये मिडिल लेमिला है। देखो यहाँ पर दिखाया मैंने, ये मिडिल लेमिला होगी। अब अंदर की तरफ चलते हैं तो कौन कौन सी लेयर्स बनती है मिडिल लेमिला के अंदर की तरफ। ये वाली जो लाइन बनाई है मैंने, ये हो गई है प्राइमरी वॉल। फिर उसके बाद में और अंदर चलते हैं अपन, तो ये प्राइमरी वॉल, तो ये वाली जो है ये हो गई अपनी सेकेंडरी वॉल। अब हर एक सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल तक तो हर प्लांट सेल में, मगर टर्शरी वॉल जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट सेल में पाई जाती है। तो केवल इसमें मैंने टर्शरी वॉल बनाई है, ये अंदर की तरफ ये वाली जो लेयर बनाई है ये टर्शरी वॉल हो गई है। टर्शरी वॉल के अंदर की तरफ एक कैविटी बना दी है जिसमें फ्लूइड मटेरियल फिल रहता है, इसमें फ्लूइड मटेरियल बना रहता है। तो इस टाइप से सबसे बाहर मिडिल लेमिना, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और अंदर की तरफ फिर टर्शरी वॉल, इस टाइप से पाई जाती है। तो ये अपनी प्लांट सेल की स्ट्रक्चर होती है जो फोर लेयर्स में डिवाइड होती है। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं। देखो सेल वॉल जो होती है सबसे प्लांट सेल की सबसे एक्सटर्नल रिजिड और थिक लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है। तो इसके क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे। सबसे पहली बात, किसी भी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसको इस टाइप से सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि सेल जो होती है डैमेज नहीं होती है। इट मीन्स अपन सेकेंड फंक्शन ये दे सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है ये प्लांट सेल के इनर साइड में पाए जाने वाले वेरियस सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला फंक्शन। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में के अंदर एक डेफिनेटिव शेप प्रोवाइड करती है। एक पर्टिकुलर शेप जो होती है ना वो सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण ही होती है। उसके बाद में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस में एक पॉइंट लिया था अपने प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल के बीच में पाया जाने वाला एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल्स के अंदर वेरियस सब्सटेंस जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल के अंदर कोई भी कंपोनेंट जो होते हैं वो आ जा सकते हैं। इसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा भी किससे बनते हैं, सेल वॉल से होकर के ही बनते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा बने हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन भी सेल वॉल के फंक्शन में इंक्लूडेड है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या फंक्शन, वेरियस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करने के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, इस टाइप से सेल वॉल के बहुत सारे फंक्शंस अपन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये हो गया अपना आज का टॉपिक सेल वॉल वाला, जिसको डायग्रामेटिकली अपने एक्सप्लेन कर लिया है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी नोट्सों की। तो देखो नोट्स मैंने अभी तक आपको जो वीडियोस भेजे थे उनके नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिए हैं। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नोट्स जो होते हैं मैं आपको बीच के अंदर एक बड़ी पीडीएफ भेज करके एक साथ नोट्स भी भेज सकता हूँ। तो अब जो आपके पास पीडीएफ आएगी इस टॉपिक के बाद में, वो पीडीएफ मैं इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्सों की एक साथ बड़ी पीडीएफ भेज रहा हूँ, यानी पूरा चैप्टर ही उस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है। हर आगे के लगभग 10 to 15 वीडियो तक के नोट्स जो है वो एक साथ ही एक पीडीएफ के अंदर भेज रहा हूँ। लगभग 30 पेजेस के नोट्स आपको एक साथ मैं भेज रहा हूँ। तो आगे के कुछ लगभग 10 to 15 वीडियो तक आपको मैं नोट्स नहीं भेजूँ, तो आप ये मत समझना कि आज नोट्स नहीं है। ये नोट्स मैं आपको एक साथ पूरी भेज चुका हूँ। आप धीरे धीरे उनमें से दो दो तीन तीन पेज आप अपने डेली जो है जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं डेली डेली अपने फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते जाइए। नोट्स वाला काम एक साथ हो गया है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगले वीडियो के अंदर सेल स्ट्रक्चर के अंदर फिर से चलते हैं, जिसमें अपन अंदर की तरफ आएंगे सेल मेम्ब्रेन को लेकर के उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।